कहर महादलित टोला को किया आग के हवाले। दर्जनों घर जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की वाहन आग पर काबू पाने का कर रहा है मशक्कत। नवादा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के देदौर के महादलित टोला कृष्णा नगर में दबंगों ने कहर बरपाया है। दबंगों ने उस टोले को ही आग के हवाले कर दिया है, जिससे दर्जनों घर जलकर खाक हो गया। इस घटना में कई पशुओं के भी जलने की बात कही जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई वाहन गांव पहुंचकर आग बुझाने में जुटी है। वहीं घटना की सूचना के बाद सदर एसडीओ अखिलेश कुमार, एसडीपीओ वन अनोज कुमार तथा मुफस्सिल थाना के अलावा कई थाने की पुलिस गांव पहुंच चुकी है। बताया जाता है कि कृष्णा नगर के पड़ोस गांव प्राणपुर के दबंगों ने घटना को अंजाम दिया है। अगलगी से सैकड़ों परिवार बेघर होकर क्या घटना घटी है। जैसे ही ये समय लगभग 7 बज रहा था, हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, अचानक 100 आदमी आया और धड़ाधड़ गोली से मतलब बरसात करने लगा और यहाँ पर गोली के वजह से ना 70 से 80 घर नुकसान हुआ। कितने लोगों को पैसा जल गया, कितने लोगों को जान माल गाय धूर भी मतलब हो गया जल। उसके बाद जो फायरिंग हुआ उसके वजह से एक आदमी ऑलरेडी हार्ट का पेशेंट था, वो डेथ हो गया। अच्छा, ये जलाया कैसे गया? ये मेन मामला था जमीनी विवाद। अच्छा, ये बस्ती को कैसे जलाया गया? ये बस्ती को जो है ना आग लगाकर आपको गोली के द्वारा, इसमें थे आपको देख लीजिए, उन सबका नाम हम लिखे हुए हैं। सबसे मेन आदमी था नंदू पासवान, उसका मेन उसका गैंग था। उसके साथ था जमुना चौहान, सोमर चौहान, नूनू चौहान, आशीष यादव, ये सब लोहानी बिघा के रहने वाले। उसके बाद है आपको दशरथ। कितना घर जला है? 80 से 85 घर सर जल चुका है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम व्यास मुनि हुआ और हम यहीं के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर शाम में कुछ थोड़ा सा नीचे घटना हुई है, थोड़ा सा नीचे, और 21 घर जले हैं। तो तत्क्षण हमारे अनुमंडल पदाधिकारी और एसडीपीओ और पुलिस बल सब लोग आए, अग्निशमन दल भी आया और आग को बुझाया गया है। लेकिन 21 घर की क्षति हुई है और इसका विशेष सर्वेक्षण भी हम लोग विस्तृत कर रहे हैं। यहाँ की और यहाँ पर गिरफ्तारी भी हुई। कितने की गिरफ्तारी? 10 आदमी। 10 की गिरफ्तारी। सर एक सवाल है कि यहाँ पर परिवार के लोग बता रहे थे 80 परिवार के जो लोग हैं और सभी घर में आग जलाया गया, अब तक कितने आप लोग, आपने बताया तो अब तक कितने घर में क्या तोड़फोड़ भी हुई है, सामान जली है, क्या किसी कोई? देखिए 21 घर कंफर्म है और हम लोग इन लोग से बात करके और पूरा हम लोग विशेष रूप से आकलन कर ले रहे हैं। सर घटना का कारण क्या है? घटना ये है क्या, यहाँ पर पहले से टाइटल चल रहा था और उसी टाइटल के क्रम में एक भूमि का विवाद भी है, उसी के क्रम में प्रतिपक्षी लोगों ने किया है ऐसा इन लोगों ने बताया जी। अभी तक जो सूचना मिली है करीब 7:15 के बीच में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे कुछ व्यक्ति द्वारा जो है घरों को जलाया गया है। जो इतना इनिशियल जो है क्लेम किया जा रहा था कि 40 से 50 घर जले हैं, जितना अभी तक सिविल साइड और पुलिस ने हमने मिल के रात के अंधेरे में जितना सर्वे किया है, अराउंड 21 घरों को, परिवारों को हमने चिन्हित किया है। इसमें अगर कोई आगे डिवाइडेड होगा, सेपरेटेड होगा तो वो और डिटेल सर्वे कल किया जाएगा, लेकिन जितना अभी तक कंफर्म किया गया है वो 21 घर जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। अभी तक इसमें किसी व्यक्ति के या फिर किसी अन्य जो है किसी की क्षतिग्रस्त होने की, मृत्यु होने की सूचना सामने नहीं आई है, ना ही कोई ऐसी बॉडी मिली है। अभी तक जो क्लेम किया जा रहा है कि यहाँ पे हवाई फायरिंग की गई थी या कुछ किया गया था, उसमें अभी तक कोका हमें प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन हमारी टीम यहाँ पे सर्वे कर रही है, कैंप कर रही है। इसके अलावा जो है लाइन से हमने फोर्स यहाँ पे कैंप की हुई है, हमारे जो SHO हैं यहाँ पे कैंप करेंगे। हमने अभी तक जो मेन अक्यूज थे जिनको क्लेम किया जा रहा था उनको हमने गिरफ्तार किया है, साथ उनके साथ करीब 10 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और रात भर रेड छापेमारी चलेगी, हम इसमें और गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। ऐसा घटना का अंजाम उनके द्वारा क्यों दिया गया, क्या वो जमीन का क्या कुछ विवाद था, क्या सामने निकल कर आया? जैसा DM साहब ने आपको बताया कि ये टाइटल का डिस्प्यूट चल रहा था दोनों पक्षों में, यहाँ पे जो एक पक्ष जो बसा हुआ था वो यहाँ पे उनका कब्जा था, दूसरा पक्ष उस पर क्लेम कर रहा था काफ़ी समय से, और उनके द्वारा ही ये जो है हरकत की गई है। इसमें आगे हम लोगों को और गिरफ्तारी सुनिश्चित। परिवार के लोग थोड़ा दहशत में बता रहे को दबन प्रवृत्ति के लोग हैं, तो उसके लिए पुलिस क्या सुरक्षा करेंगे? जी जैसा आपको पहले बताया कि अभी मैजिस्ट्रेट ऑफ फोर्स जो है अभी अगले 2 से 3 दिन तक यहाँ पे कैंप करेगा, जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती है। अगर सिचुएशन फिर भी नॉर्मल नहीं रहती है तो हमारा फोर्स और मैजिस्ट्रेट जो और आगे कंटिन्यू करेगा, और लोगों को ये अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। अगर कोई सूचना ऐसी कोई इंटेलिजेंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं गोपनीय तरीके से तो ज़रूर हमारे साथ आ जाए। सर अब तक कितने का क्षति का आकलन किया गया अभी तक?
जैसा आपको बताया कि करीब 21 घर जो हैं अभी तक क्षतिग्रस्त हुए हैं, डिटेल्स हल्के जो है रात भर चलेगा, लेकिन जो ऑफिशियल नंबर अभी तक हम बोल रहे हैं वो 21 घरों का। कुछ मवेशियाँ भी जले हैं सर, ऐसा कुछ मवेशी अभी तक जलने का जो है वो सूचना हमें नहीं मिला है, उसमें यहाँ पे अभी चेक ही हो रहा है, अगर और मिलेगा तो बता दिया जाएगा।